उषा पटेल गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग। दोस्तों दोस्तों आज मैं एक ऐसी खाद बताने जा रही हूँ, आप बिल्कुल फ्री में आप इसका उपयोग अपने प्लांट में कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा। और क्या होगा, इसके हमारे घर में जो कचरा निकलता है, किचन वेस्ट निकलता है, इसका ही हमें उपयोग करना है। और क्या, किचन वेस्ट का उपयोग जब हम हमारे गार्डन में करते हैं तो क्या होता है कि जो गंदगी फैलती है, बाहर जहीं तहीं हम फेंक देते हैं, वो भी नहीं होगा। हमारी सोसाइटी, हमारा घर एकदम स्वच्छ होगा और हम स्वच्छता भारत स्वच्छता अभियान का एक भाग भी बनेंगे, एक हिस्सा भी हम कहलाएंगे कि हम कहीं भी गंदगी नहीं फैलाते हैं। हमारा जो भी कचरा घर से निकलता है हम हमारे गार्डन में यूज करते हैं। और क्या होता है, वो जो कचरा हम निकालते हैं इसमें एनपीके की मात्रा होती है, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास होता है। कहीं कहीं इसमें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होता है, विटामिन्स भी होता है, मिनरल्स भी होता है, कैल्शियम भी होता है। तो हमारे सारे प्लांट को जो जो भी खाद हमें चाहिए वो हमें बिना पैसा खर्चे हमारे प्लांट को हम दिला सकते हैं। इस पर पहला मैं तरीका बताती हूँ कि जब भी हम गमला, मैंने गुड़हल के गमले लाए, प्लांट लाई थी, तब भी मैंने वीडियो पे दिखाया था कि जब भी हम कचरा ऐसे इकट्ठे करना है और जब भी हम नए प्लांट लाए और गमला भरे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ी सी नीचे मिट्टी डाल देनी है गमले में। और फिर हमारे घर का जो भी 1-2-3 दिन का जो भी कितना भी कचरा हो किचन वेस्ट में, जो आलू है, प्याज है, केला है, मौसम्बी है, नारंगी है, नींबू है, वो भी कचरा हमें पहले हमारे गमले में डाल देना है। पहले थोड़े छेद के नीचे मिट्टी डालनी है, फिर हमारा किचन वेस्ट डालना है और फिर से हमें ऊपर मिट्टी डाल के फिर हमारा प्लांट को हम रिपोर्ट करेंगे। तो क्या होता है, हमारे प्लांट को हमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये किचन वेस्ट धीरे धीरे डीकम्पोस्ट होता जाएगा और जो भी इसमें खाद बनती जाएगी हमारे प्लांट को डायरेक्ट इसके जड़ में मिलती जाएगी और हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो जब भी मैं अपने गमले न्यू प्लांट लाती हूँ गमले को, तो मैं जब रिपोर्टिंग करती हूँ तो सबसे पहले मैं किचन वेस्ट ऐसे ही उपयोग करती हूँ। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, दूसरा यूज एक ये है, या पानी में भिगो दो। कोई भी कितना भी सब्जी हो, कुछ भी हो, केला हो, नारंगी हो, आलू है, प्याज है, सभी मैंने ऐसे भिगो दिया है। और अब क्या करना है, 1-2 दिन को इसको भिगो के रखना है। जैसे ही पानी का कलर चेंज हो जाएगा हमें इसमें क्या करना है कि इसमें एक गमला ये लेना है और दूसरा गमला हमें पानी लेना है, मतलब 50-50%। या बहुत ज़्यादा आपने भिगो के रखा है और बहुत स्ट्रांग खाद हो गई है तो एक गमला ये लो और 2-3 गमला हम स्वच्छ पानी लेंगे और फिर ये पानी को हमें हमारे गार्डन में डालने का है। तो इसमें भी क्या होता है, सारे न्यूट्रिशन जो भी होता है हमारे इस वेस्ट में तो हमारे पानी में आ जाता है और फिर ये पानी हम डालते हैं तो हमारे खाद को एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कैल्शियम, मिनरल्स जो भी चाहिए वो हमारे प्लांट को मिल जाता है। तो पहला एक वो एक है, अब हो गया दूसरा। तो अब पानी डालने के बाद जो कचरा निकलता है तो हमें क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इसको भी हमें फेंकना नहीं है, इसके लिए मैं भी आपको तीसरा बताती हूँ, एकदम इजी है। सारे मैं जो बताती हूँ आप करते जाओगे, नहीं बदबू आएगी, नहीं कीड़े पड़ेंगे और आपको नहीं स्मेल आएगी और एकदम इजी से अपने प्लांट को सारी खाद मिलती जाएगी। इसके लिए मैंने क्या किया है, पानी की 500 1 लीटर हो या 500 पता नहीं, पर 1 लीटर ही होगी शायद, एक पानी की मैंने बोतल ली है और क्या किया है, इधर छेद कर दिया है और इधर आगे थोड़ा सा छेद किया है। जितनी हमें बोतल को मिट्टी में गाड़नी है तब तक ही हमें छेद करेंगे। तो क्या होता है, इसमें शायद कीड़े पड़ जाए, मेरे तो अभी तक नहीं पड़े हैं पर शायद भी कीड़े पड़ जाए तो भी वो बाहर निकल के आएगा नहीं। और क्या होता है, इसको, इस बोतल को हमें, मैं दिखाती हूँ, बस ऐसे ही करके हमें मिट्टी से ढंक देना है। तो मैं दिखाती हूँ अब क्या करना है, मैं पहले वीडियो को पॉज करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो, जैसे हमने जो भिगो के रखा था, दूसरा नंबर का जो आइडिया,
वो भिगो के रखा था, इसको मैंने भिगोने के बाद जो पानी पानी अपने हमने प्लांट में तो डाल दिया है, और जो कचरा निकला है उसको भी हमें फेंकना नहीं है, ऐसे ही मैंने बोतल में गाड़ दिया है, और जितने भी छेद किए थे वहाँ तक मैंने मिट्टी में गाड़ दिया है, और ये अपने आप गलते जाएंगे। और यहाँ जो ऊपर से मैंने कट किया था वहाँ मैंने, आप देखो, यहाँ सेलो टेप लगा दी है, तो यहाँ से ऊपर से भी कोई बदबू नहीं आएगी, कोई कीड़ा मकोड़े निकलेगा नहीं, अंदर भी कोई नहीं जा पाएगा, और यहाँ से जो भी धीरे धीरे डीकम्पोस्ट होता जाएगा, जितना भी खाद वो धीरे धीरे अपने प्लांट को मिलती जाएगी, और हमारा जब ये ऐसा लगे अब काफ़ी एक महीने में का बाद काफ़ी खाली हो गया है, तो फिर से हम ये सेलो टेप निकाल के फिर से हम इसके अंदर किचन वेस्ट भर सकते हैं। ये हो गया तीसरा। चौथा एक एक बताती हूँ, एकदम से इजी है। तो सारा कचरा मैंने इसमें भर दिया, तो एकदम से इजी है। एक दो दिन इसको सुखा दो, जब हमारे पास केले के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, तो इसको एक दो दिन सुखा दो, और फिर क्या करना है, देखो मेरा ये यहाँ आपको दिखाई देगा, जो ये किचन वेस्ट है, ये मेरा किचन वेस्ट ही है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको भी ऐसे ही अपने, बस इसको दबा दो। इसमें क्या होता है, कम गमला होता है, कम किचन वेस्ट निकलता है तो ऐसे चलता है, पर हमें ज़्यादा किचन वेस्ट निकलता है तो ऐसे नहीं चलता है, इसलिए हमें और भी कहीं कहीं कैसे नुस्खे करने पड़ते हैं कि कैसे भी हमारा किचन वेस्ट घर से बाहर ना निकले। तो चौथा नंबर का मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, तो क्या करना है, ए इसमें आप देख सकते हो मैंने प्याज, आलू, लहसुन, और फिर है संतरा, नारंगी, नींबू, सारे सिलके मैंने अच्छे से सूखा दिए थे, और फिर मैंने इसको मिक्सर में क्रश कर दिया है। तो फिर क्या होता है, इसको आप स्टोर करते भी रख सकते हो, एक बड़ा जितना भी निकले एक हफ्ते तक मैं ऐसे सूखा देती हूँ, फिर मिक्सर में मैं इसको क्रश कर देती हूँ, और जब भी ऐसा लगे कि हमारे प्लांट को खाद देनी है तो हम एक एक चम्मच, आपको दिखाऊँ, एक एक मुट्ठी, एक एक चम्मच आप इसमें ऐसे ही डाल सकते हो, देखो ऐसे ही डाल सकते हो, मिट्टी के नीचे भी डाल सकते हो, ऊपर भी डाल सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो। तो ये हो गया, पहला हो गया डायरेक्ट डालने का है, दूसरा हो गया ये भिगो के डालना है, तीसरा हो गया ये इसमें मतलब ये डब्बी में डालना है, चौथा ये है, और एक मैंने बताया जब गमला अंदर से भरते हैं तभी हो। तो पांच प्रकार तो हो गए, अब मैं छठा आपको लास्ट वाला दिखाती हूँ जो सभी करते हैं। ये लास्ट वाला एक ये है कि हमें उसको मटके में, मैं देखो ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं नीचे मिट्टी डाल देती हूँ, और फिर घर में से जितना किचन वेस्ट निकलता है मैं मटके अपने गमले में, मतलब अपने ऐसे ही मटके में डाल देती हूँ, फिर इसको ऊपर से ऐसे सील कर देती हूँ। यहाँ से मैंने दूसरा भी आपको दिखाऊँ, मैंने कितने किचन वेस्ट के डब्बे तैयार कर रही हूँ, एक ये देखो, ये डब्बे में भी मेरा किचन वेस्ट है, जो पानी की बोतल है 20 लीटर की, इसके अंदर मैंने किचन वेस्ट डाला है और ऊपर से ऐसे बंद कर दिया है, और दूसरा एक गमला है मेरा, यहाँ मैंने इसको भी किचन वेस्ट डाला है, ऊपर एक रुमाल करके इसको ऊपर बंद कर दिया है। तो ये है छठा प्रकार, ऐसे प्रकार के आप अपने किचन वेस्ट तैयार कर सकते हो, जैसे मैंने बताया 6 प्रकार के किचन वेस्ट। मैं आपको 6 प्रकार के किचन वेस्ट कैसे तैयार करना है, और अपने गमले में कैसे खाद देनी है, कैसे फ्री में आपकी खाद तैयार करनी है, वो सारे मैंने 6 नुस्खे में बता दिया। तो आज के बाद कभी भी अपना किचन वेस्ट कचरे में, डस्टबिन में नहीं डालूंगी, मेरी तरह अपने गार्डन में ही यूज करूंगी, और हम इस स्वच्छ भारत का अभियान में एक हिस्सा बनेंगे। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।